हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भाई धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके समक्ष बहुत दिनों बाद आया हूं, इसके लिए सॉरी। क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, सर आपने क्या वीडियो बनाना छोड़ ही दिया है यूट्यूब पे। मतलब सीआरपी या पैरामेडिकल स्टाफ के तहत आप जो भी इंफॉर्मेशन देते थे, अभी फिलहाल में 2-3 महीने से आप कोई वीडियो क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के समक्ष इसलिए नहीं आता था क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा व्यस्त भी चल रहा था, और इसके साथ साथ आप लोगों के एग्जाम से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड नहीं हो रही थी। फिलहाल में दोस्तों, आप लोगों को एग्जाम से संबंधित यहाँ पर आपको जानकारी देने वाले हैं कि आखिरकार आप जो सीआरपी या पैरामेडिकल स्टाफ के जो कैंडिडेट हैं ट्रेड्समैन के लिए, जिन्होंने अप्लाई किया है, आप लोगों का एग्जाम कब होगा। और साथ ही में दोस्तों, एक चैनल है जिसको सपोर्ट करने के लिए आपको बोलूंगा। फिलहाल में यहाँ पर मैं कोई प्रमोशन करने वाला नहीं हूँ किसी चैनल के बारे में, लेकिन एज अ ह्यूमन एंड इंसानियत के नाते हमको कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामाजिक स्तर पर अच्छी हो रही हैं, या जो इंसानियत के नाते हमको दायित्व है कि अच्छी चीजों को बढ़ावा मिले। तो ऐसा ही एक चैनल है दोस्तों, जो कि आपको आपके सीआरपीएफ के तहत या सीआरपीएफ में जो भी आपकी एक्टिविटीज चलती हैं एग्जाम से रिलेवेंट, ऑथेंटिक न्यूज प्रोवाइड कराते थे वो सर। फिलहाल में उनका जो चैनल है वो यूट्यूब की तरफ से टर्मिनेट कर दिया गया है, या फिर यूं कहें अलग या डिलीट कर दिया गया है। तो दोस्तों, उस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर मैं बोलने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, यदि ये वीडियो आदि को पसंद तो इसको अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी। फ्रेंड्स, आपको बता दें, ये चैनल एक ऐसा चैनल था जो कि आपके सीआरपी आपके एग्जाम में जो भी आपकी अपडेट्स रहती थी वो सबसे फास्ट आपको प्रोवाइड कराते थे सर। लेकिन दोस्तों, इनका 1 लाख के अबव सब्सक्राइबर था, करीबन 1.5 लाख के समथिंग। मैंने देखा नहीं है क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बट मेरे को जैसे ये इन्फॉर्मेशन मिली ये चैनल डिलीट कर दिया गया है, तो मेरे को भी एक तरफ से झटका ही लगा दोस्तों। क्योंकि अच्छी चीज़ अच्छी रहती है और हमेशा बुरी चीज़ बुरी रहती है, और ये सर हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ आपको प्रोवाइड कराते थे। और फिलहाल में अभी हुआ क्या, इनका चैनल है यूट्यूब की तरफ से डिलीट कर दिया गया है। डिलीट में मैंने सर से बात भी की है, सर ने बोला है कि ना तो मैंने कोई ऐसी वीडियोस अपलोड की थी जो कि किसी भी तरह से अनुचित हों, या फिर वायलेंस के तहत आती हों, या पॉलिसी को पूरा ना करती हों आपके यूट्यूब की, जैसे कि यूट्यूब की तरफ से ऐसा किया है उनके साथ। हाँ दोस्तों, इनको कॉपीराइट भी नहीं लगा, लेकिन इसके बावजूद भी इनका चैनल है वो यूट्यूब की तरफ से डिलीट कर दिया गया है। अब इसका रीजन सर से मैंने पूछा कि आखिरकार किस वजह से आपका चैनल डिलीट हुआ है, तो इन्होंने कुछ ऐसा बोला है सर ने कि यहाँ पर इनको ईमेल आया था कि आपका जो चैनल है वो मतलब कोई वायलेंस क्रिएट हुआ है उनकी वीडियोस में, या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट के तहत ऐसा कुछ वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन सर का कहना है कि ऐसी कोई मैंने वीडियो अपलोड भी नहीं की है। हाँ, हालांकि ऐसा हो सकता है किसी ने इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट कर दी हो किसी भी वीडियोस में। आप सर को भी अभी प्रॉपर पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार रीजन क्या बना हुआ है। तो दोस्तों, जो होना था तो वो हो गया है, लेकिन अब आपके हाथ में क्या है, आप या हम क्या कर सकते हैं जैसे कि इनका जो चैनल है उसके रिकवरी के चांसेस 90% बढ़ जाए, या फिर इनका चैनल है वो आ जाना चाहिए। तो फिलहाल में दोस्तों, सर का भी कहना है, और जैसे कि इन्होंने बोला है कि आप यदि ट्विटर चलाते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर सरकार जो वहाँ पर अकाउंट क्रिएट किया है उन्होंने एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी, और उन्होंने ट्वीट किया है, सर का जो ट्वीट है आपको उसको रीट्वीट करना है। मतलब यदि आप यूट्यूब क्या बोलते हैं ट्विटर चलाते हैं तो आपको उनके ट्वीट को रीट्वीट करना है, बस ओनली इतना करेंगे तो दोस्तों इससे भी सर की बहुत हेल्प होगी और उनका चैनल रिकवरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब लौट सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई फर्स्ट कि इसका एक उपाय ये भी है। इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं जिससे कि इनका जो चैनल है वो रिकवर हो जाए। तो दोस्तों, आप यदि एक यूट्यूबर हैं, फिलहाल यूट्यूबर की ज़्यादा वो रहती है पहुंच, या फिर सुनते हैं यूट्यूबर की, तो दोस्तों यदि आप यूट्यूबर हैं तो सर के सपोर्ट में एक वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ, जैसे कि सर का जो सपोर्ट बढ़े और उनका जो चैनल है वो जल्द से जल्द वापस आ जाए। तो दोस्तों, आपको यही सब करना है, आप प्लीज़ करिए, क्योंकि आप यदि करेंगे तो भलाई करने वाले हैं, इसमें बुराई कोई नहीं है। ओके, तो चलिए, ये तो हमने बोला सर के चैनल के बारे में जो कि आपको करना है। और हाँ, यदि आप अभी सब्सक्राइब नहीं किए इनका जो एक न्यू चैनल है कुछ ऐसा करके है, दोस्तों मैं देखता हूँ, मेरे को नाम याद है नहीं, फिर इनका जो न्यू चैनल इन्होंने क्रिएट किया है, नाम है एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर सक्सेस।
दोस्तों इस चैनल के वीडियो के आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो डायरेक्टली उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हुआ आपके जो चैनल के बारे में मेरे को बताना था। अब हम बात करते हैं आपके सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, आखिरकार इसका एग्जाम होगा तो कब होगा, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं आपके सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम डेट के बारे में। तो दोस्तों हम बात करते हैं जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम डेट के बारे में, चाहे फिर वो एसके हो या फिर आपके अदर कुक या फिर कोई भी आपका ट्रेड हो। जैसे कि दोस्तों आपको पता है इसका एग्जाम बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, इसका एक रीजन था कोरोना। लेकिन फिलहाल में दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन हमको कहीं से भी जैसे भी प्राप्त हो रही है डिपार्टमेंट के थ्रू या फिर आपके जो भी जैसे कि सीनियर हैं उनके द्वारा हमको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है, तो फ्रेंड्स आपका बोलना चाहेंगे आपका जो मार्च है, मार्च महीने में आप लोग के एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। अभी फिक्स एग्जैक्ट डेट कुछ नहीं है कि आपके 1 मार्च से स्टार्ट होंगे या 2 मार्च से स्टार्ट होंगे या 4 से होंगे, बट हाँ एक कंफर्म है कि आप लोगों का मार्च मंथ है 2022, मतलब 2022 2021, लेकिन आपका जो 2022 है इसके मार्च में आप लोगों के एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों यही सब इन्फॉर्मेशन थी मैंने जो बोला है, प्लीज आप इसको फॉलो करें, सर का चैनल भी सब्सक्राइब करें और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें ताकि आप लोग का दोस्तों एग्जाम अच्छे से क्रैक हो जाए। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।